अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नूरीज किचन। आज मैंने बनाया ये मुगलई चिकन, तो चलिए रेसिपी देखते हैं। ये मैंने 1 kg चिकन लिया है। हम डालेंगे 1 नींबू का रस और अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 teaspoon। अब इसमें डालेंगे हम 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर और 1 teaspoon जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। अब इसे हम मैरिनेट कर देंगे और 1/2 hour के लिए रख देंगे। अब हम इसकी एक बैटर तैयार करते हैं। इसमें मैं डालूँ 1 प्यारी दही, कुछ धनिया के पत्ते और 2-3 हरी मिर्च, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 फ्राइड अनियन। इसमें हम डालेंगे 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम और इसका हम पेस्ट बना लेंगे स्मूथ। दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग डाला है मैंने, 4-5 इलायची डाला और 2 बड़ी इलायची डाली है काली वाली। अब हम इसे थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पेस्ट डाल देंगे अपना जो बनाया था हमने। अब इस पेस्ट में हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे इसकी भुनाई करने के बाद। इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लें, तो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें अपना थोड़ा पानी, हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे 15 से 20 मिनटों के लिए। इसको कुक करें, मैंने छोड़ दिया था 15 मिनटों के लिए, तो आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। हमारा बिल्कुल तैयार है मुगलई चिकन। इसमें हम लास्ट में क्रीम डाल देंगे और बिल्कुल आप सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो देख सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।